हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होगे। यार आज मैं गया था अपनी कार का रजिस्ट्रेशन करवाने, RTO टैक्स और रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करवाना था। मैंने कार परचेज तो की है राजस्थान से, बट रजिस्ट्रेशन मुझे कराना है उत्तर प्रदेश का, तो उसी के लिए गया हुआ था। अभी मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ से, और रजिस्ट्रेशन में बहुत पैसा लगता है यार। कार में जितना कार लेने में नहीं खलता ना, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है रजिस्ट्रेशन में। बहुत पैसे देने पड़ते हैं यार। कभी भी कार लो तो रजिस्ट्रेशन हो सके तो शोरूम से ही कराओ, क्योंकि आप बाहर से कराओगे तो बाहर से आपके एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत पड़ेंगे। जैसे जो भी ब्रोकर होगा, ब्रोकर भी लेगा, और अगर आप डायरेक्ट जाके कराते हो ना तो आपका काम जल्दी होगा नहीं। इस विंडो पे जाओगे तो उस विंडो पे जाने के लिए बोलेंगे, उस विंडो पे जाओगे तो उस विंडो पे ले जाने के लिए बोलेंगे, और जब फाइनल विंडो पे पहुंचोगे तो बोलेंगे कि बाबूजी अभी है नहीं, बाबूजी ये कर रहे हैं, बाबूजी वो कर रहे हैं। और जो ब्रोकर होते हैं तो वो आपका काम बहुत आसानी से और डायरेक्ट उन्हीं के पास जाके करा देते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है। जैसे मेरा लगा है 2,500 रुपये एक्स्ट्रा, 2,500। तो क्या कर सकते हैं यार, बार बार तो मैं आ नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसके थ्रू ना कराते तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ता। और RTO ऑफिस मेरे यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर्स के आसपास है, तो 40 किलोमीटर आने जाने का जो कॉस्ट होता, मैंने सोचा ठीक है यार दे दो, एक ही बार में काम कराओ। 1 वीक बोला है ट्रांसफ़र के लिए, कि रजिस्ट्रेशन के लिए 1 वीक में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कार का। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। और यार इससे पहले जो मैंने वो वीडियो बनाई थी जो राजस्थान से और लखनऊ तक के टूर की थी यार, वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई। डिलीट क्या, वो वीडियो करप्ट हो गई थी। तो अच्छी खासी जर्नी थी, मज़ा आया था खूब। रात भर ड्राइव किया, पूरे दिन ड्राइव किया, लेकिन वो वीडियो ही करप्ट हो गई, तो अब क्या ही कर सकते हैं उसका। बाकी अब ऐसी वीडियोस तो आती रहेंगी आपके आपके लिए। कहीं भी जाऊंगा तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी यार कार का परफॉर्मेंस एक नंबर है। जो मैं माइलेज लेके आया था वहाँ से, राजस्थान से लखनऊ तक जो माइलेज इसने दिया था वो 30 का एवरेज निकला था विदेशी। और अभी मैं ट्रैफिक पे जैसे चलाता हूँ तो 27.9, 27.8, ये 28 ऐसे माइलेज दे रही है, तो मेरे हिसाब से ठीक है, अच्छी है। और पिकअप भी अच्छा है इसका, चलने में भी अच्छी है, अंदर से विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप मिड रेंज में कार देख रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी रहेगी, रादर देन सेलेरियो एंड ये अपना वैगन आर, इनसे तो बहुत अच्छी है। जो भी अभी गाइज, अभी तक जो भी जिसने भी मेरी कार को देखा है ना, उसने यही बोला यार क्या गाड़ी ले ली है भाई। तो वही है कि अंदर से खुशी मिलती है, पैसे तो लगे ही हैं लेकिन अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ चलो जो भी लिया। 1,000 किलोमीटर पे यार कुछ ख़त्म नहीं होता है, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, कूलेंट, ये सब एकदम परफेक्ट रहता है। 1,000 पे आपको कुछ भी गाड़ी में डलवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो डाल भी रहे हैं ना, तो उनसे एक बार पूछो कि यार ये क्यों चेंज कर रहे हो, क्या रिप्लेस होने वाला है क्या? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो ब्रेक ऑयल जैसे थोड़ा सा भी मतलब कम नहीं भी है ना, तब भी वो दिखाने के लिए डाल देते हैं, फिर उसमें आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो ब्रेक ऑयल का एक इंडिकेशन है, वहाँ तक आप ब्रेक ऑयल रखो, उसकी नेक तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे तो ऐसा है, सच कुछ उन्होंने चार्ज किया नहीं। फर्स्ट सर्विसिंग भी हो गई अपनी कार की, अभी देखते हैं। यार यहाँ पे ना रोड पे जानवर बहुत चलते रहते हैं, देखिए अगर आप थोड़ा सा भी अलर्ट नहीं है ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको।
इसलिए इन सब रोडों पे ना बहुत आराम से चला करो। अब चारों तरफ नजर रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल एक ही साइड देख रहे हो, सामने ही।